नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा में बालेश्वर जिले के बाहनगा बाजार स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास शुक्रवार शाम भीषण ट्रेन दुर्घटना हो गई। 3 ट्रेन के बीच हुई इस दुर्घटना में 233 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर है। ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ? ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के बाद बंगाल सरकार ने भी कंट्रोल रूम खोला है। इसका नंबर 0332214-3526 और एक नंबर 2253-5185 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और कहा कि वह राज्य को लोगों की बचाने में मदद करने के 4 सदस्य समिति भेज रहा है। तमिलनाडु सरकार के हेल्पलाइन नंबर है 1070 टोल फ्री 9445869843 और एक 9445869848, व्हाट्सएप 0442859390। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर चेन्नई से 0442533-0952। ऐसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बालेश्वर के 0678226-2286। ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट नियर बाहनगा रेलवे स्टेशन इन बालेश्वर उड़ीसा। इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर हावड़ा 0332638-2217। वैसे ही नंबर नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। और इसको शेयर मत कीजिए क्योंकि लोगों की जान की बात है। कैसे ये दुर्घटना हुआ चलिए जानते हैं। रेलवे के सूत्रों के अनुसार 6:54 मिनट में यशवंतपुर हाड़ा सुपरफास्ट ट्रेन की पिछले 3 बगियों बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर चली गई। दूसरे ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी घटना के बाद खड़ी थी। 6 मिनट बाद शाम 7 बजे शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे मालगाड़ी से टकरा गई। 128 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही कोरोमंडल की मालगाड़ी से टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कई बगियों मालगाड़ी के ऊपर चढ़ने हुए दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इस हादसे में दोनों ट्रेनों की 18 बगियों पटरी से उतर गई और कई बगियों आपस में चिपक गई। घटना में सबसे ज़्यादा जनरल डिब्बे में सफ़र करने वाले यात्री प्रभावित हुए हैं। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि यह जांच का विषय है कि यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस व कोरोमंडल एक्सप्रेस में कौन पहले बेपटरी होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। जानकारी यह भी मिल रही है कि सिग्नल खराब होने के कारण मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की एक ही पटरी पर आ गई थी, इस कारण यह हादसा हुआ। टक्कर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की भारी नुकसान हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के शालीमार स्टेशन से निकलती है और चेन्नई के पुर्ची थलाईवर डा MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जाती है। इसे शनिवार को शाम 4:50 बजे चेन्नई में पहुंचना था। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू ने बताया कि ODRF की 4 टीम और NDRF की 3 टीम मौके पर पहुंच गई है। बालेश्वर के तमाम अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। कटक और कोलकाता से एक्सीडेंट स्थल पर रवाना कर दिया गया है।